नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे कि दरवाजे पर और गाड़ियों पर नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं और हम इसके पीछे छुपे हुए कुछ सीक्रेट्स भी रिवील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं पुराने इंडियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स को, उनमें मेंशन की हुई सिंबल्स को और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो आइए चलते हैं रिचुअल्स के सेक्शन में और पता लगाते हैं कि रिचुअल्स क्यों करते हैं। एक धागे के साथ नींबू और मिर्ची लटका हुआ, ये इंडिया में बहुत ही कॉमन नजारा है। ऑलमोस्ट हर घर के बाहर या दुकान के बाहर आपको ये अक्सर लटका हुआ दिख जाएगा। इसे कहते हैं नींबू मिर्ची टोटका। इसे कुछ लोग नजर बट्टू भी कहा करते हैं। जैसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है या हर मर्ज की कोई दवा होती है, वैसे ही इंडिया में कई सदियों से हर प्रॉब्लम के दो तरीके के उपाय सुनने को मिलते हैं। एक उपाय साइंटिफिक होता है और एक उपाय जादुई होता है। जी हाँ, नींबू मिर्ची टोटका भी इन्हीं जादुई उपायों में से एक है। इस उपाय के फॉलोअर्स बहुत है क्योंकि माना जाता है कि ये नींबू मिर्ची लोगों के घरों और बिजनेसेस की रक्षा करता है और लोगों की बुरी नजर से बचाता है। नींबू मिर्ची टोटके का लिटरल मतलब होता है लेमन और चिली का जादुई उपाय। इसे करने के लिए लगता है एक नींबू, सात मिर्ची और एक चारकोल का टुकड़ा, जिसे एक साथ एक धागे में पिरोया जाता है और घर के एंट्रेंस पर या बिजनेस, दुकान या ऑफिस के एंट्रेंस पर लगाया जाता है और इसे गाड़ियों पर भी लगाया जाता है ताकि वो भी बुरी नजर से बच सके। बट क्या सही में एक नींबू और मिर्ची सारे बुरी चीजों से हमें बचा सकता है? अगर हाँ तो ये कैसे बचा सकता है? इसका रियल रीजन काफी सरप्राइजिंग है, बट वो बताने से पहले एक माइथोलॉजिकल बिलीफ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ जो काफी लोग मानते हैं। ये है देवी लक्ष्मी, जो रिप्रेजेंट करती है धन दौलत और मांगल्य को, और लोग उनकी काफी पूजा करते हैं। बट बहुत कम लोगों को पता है कि देवी लक्ष्मी की एक ट्विन सिस्टर होती है अलक्ष्मी, जो रिप्रेजेंट करती है इनऑस्पिशियसनेस को, यानी के अमंगल को। अक्सर देवी लक्ष्मी के मूर्ति के साथ उल्लू यानी के अउल को दिखाया जाता है। वो अउल असल में अलक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी के साथ ही रहती है। लक्ष्मी देवी धन दौलत और मांगल्य की देवी है, इसीलिए कहते हैं कि उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है और लोग उनके लिए घर के अंदर मिठाई बना के लक्ष्मी को इनवाइट करते हैं ताकि उनके घर में धन दौलत और गुडलक आए। और अलक्ष्मी, जो अमंगल की देवी है, उन्हें तीखी और खट्टी चीजें खाना पसंद होता है, इसीलिए लोग दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटका देते हैं ताकि वो दरवाजे पर से ही खाना खा के लौट जाए और घर के अंदर ना आए, ताकि घर के अंदर बैड लक ना आ सके। तो लक्ष्मी याने मंगल और अलक्ष्मी याने अमंगल, ये एक ही कॉइन के दो साइड जैसे है। पैसा धन दौलत आ भी सकता है और किसी भी वक्त किसी के हाथ से जा भी सकता है। लक्ष्मी अलक्ष्मी के कैरेक्टर्स और सिंबल्स इसी बात को अक्नॉलेज करते हैं। बट सिंबलिज्म थ्रू इस बात को अक्नॉलेज करना ही एकमात्र रीजन नहीं है नींबू मिर्ची को दरवाजे पर लगाने का। इसके पीछे का असली रीजन इनफैक्ट साइंटिफिक है। तो चलिए दोस्तों, एनालाइज करते हैं इस टोटके के सारे एलिमेंट्स को। पहला एलिमेंट है नींबू। नींबू साइट्रस प्लांट्स के प्रजाति का फ्रूट होता है। नींबू कट करने पर जो सुगंध आता है वो दरअसल एक साइट्रसी स्मेल होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साइट्रसी स्मेल मॉस्किटोज को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस साइट्रसी स्मेल से इनफैक्ट मच्छर भाग जाते हैं। चींटियां भी ये स्मेल को अवॉइड करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इवन आज मार्केट में काफी सारे मॉस्किटो रिपेलेंट कैंडल्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये कैंडल में साइट्रोनेला यूज किया गया है, जो लेमन ग्रास प्लांट्स में होता है, और इसे जलाने से साइट्रसी महक आती है और मच्छर दूर भाग जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे कैंडल्स काफी फेमस है जो मच्छरों को नेचुरली भगाते हैं, जैसे कि ये वाला नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है जिसमें लेमन, लेमन ग्रास लीव्स और पुदीना यूज किया करते हैं। आपने काफी सारे गार्डन रेस्टोरेंट्स में इसे देखा होगा और आपने काफी रेस्टोरेंट्स में ये वाला रिपेलेंट भी देखा होगा, जिसमें लेमन को आधा कट करके उसमें लौंग डाल के रखते हैं ताकि टेबल पर मॉस्किटोज ना आ सके। इस नुस्खे को आजकल कई लोग घर में भी यूज कर रहे हैं डेंगू मच्छरों से बचने के लिए। अब हमारा सेकंड एलिमेंट है मिर्ची। मिर्ची में एक कंपाउंड होता है कैप्साइसिन। ये कंपाउंड ही कारण है कि मिर्ची हमें इतनी तीखी लगती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मच्छर और काफी सारे कीड़े मकोड़े जैसे कि बग्स इस कंपाउंड के आसपास नहीं आते और दूर भाग जाते हैं,
यही रीजन है कि आज नेचुरल और हर्बल इंसेक्टिसाइड्स में मिर्ची का इस्तेमाल होता है, जिससे क्रॉप्स और प्लांट्स के कीटाणु और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस टोटके में थर्ड एलिमेंट यूज होता है चारकोल का एक टुकड़ा। एक्चुअली काफी पुराने जमाने से ये प्रूवन है कि चारकोल यूज करने से इंसेक्ट्स पास नहीं आते, खास करके चींटियां। समझिए आप कहीं कैंपिंग करने गए हो और आप वहाँ खाना बना रहे हो, अगर वहाँ चींटियां दिखे तो बस थोड़ा चारकोल पाउडर लेकर खाने को घेरा करके एक बाउंड्री बना दीजिए, देखना चींटियां उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी और उससे दूर हो जाएंगी। और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी एलिमेंट होता है कॉटन का एक मोटा धागा। एक कॉटन का धागा हेल्प करता है मिर्ची में का कैप्साइसिन और नींबू के साइट्रस को अब्सॉर्ब करके उसका सुगंध स्प्रेड करने में, जिससे मच्छर, चींटियां और बाकी इंसेक्ट्स दूर रह सके। तो दोस्तों, ये नींबू, मिर्ची और चारकोल का ये टोटका दरअसल एक एंशियंट इंसेक्ट रिपेलेंट है, इसीलिए इसे पुराने जमाने में दरवाजे पर बांधते थे ताकि मच्छर और अन्य कीड़े मकोड़े घर में ना आ सके। दोस्तों, रही बात गाड़ियों में इसे लगाने की, तो पुराने जमानों में ज्यादातर बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां चलती थी और अक्सर ये ओपन हुआ करते थे, तो उनमें भी ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता था। हम लोग आज भी वही परंपरा फॉलो करते आ रहे हैं। हर कार, हर ट्रक और हर गाड़ी पर आपको ये आज भी दिखती है। पुराने जमाने में ये नींबू मिर्ची कीड़े मकोड़ों को तो दूर रखता ही था, बट इसको इमरजेंसी मेडिकेशन में भी उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि घोड़ा गाड़ी जैसे व्हीकल से दूर डिस्टेंस ट्रैवल करने में काफी दिन लग जाते थे। जैसे अगर बहुत गर्मी या धूप में किसी को तकलीफ हो रही हो तो नींबू इंस्टेंटली बॉडी को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। किसी का पेट खराब हो तो नींबू डाइजेशन में हेल्प करता है। और तो और, अगर समझिए किसी को आर्थराइटिस का तकलीफ है और अचानक ट्रैवल करते हुए दर्द शुरू हो जाता है, तो दर्द के जगह पर मिर्ची रगड़ने से दर्द कम हो जाता है। यस दोस्तों, ये मेडिकली प्रूवन है कि मिर्ची में का कैप्साइसिन आर्थराइटिस के पेन को रिलीव करता है। काफी सारे आर्थराइटिस के दवाइयों में भी आजकल कैप्साइसिन यूज करते हैं पेन रिलीव करने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि समझिए ट्रैवलिंग में अचानक किसी को अगर सांप काट लेता था तो तुरंत उसे नींबू और मिर्ची चखाते थे। अगर जहरीला सांप काटता था तो उस इंसान को उसकी जीभ पर कोई टेस्ट नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी जीभ नम हो जाती थी और उस सांप के काटने का उस हिसाब से आगे इलाज करते थे। इससे सांप के काटने का सिवियरिटी समझ में आता था। तो दोस्तों, ये एक तरीके का छोटा मोबाइल फर्स्ट एड किट जैसे काम में आता था और पुराने यात्रियों को हेल्प करता था। तो फ्रेंड्स, एनालाइज करने पर तो हमें यही पता लगता है कि नींबू मिर्ची से बुरी नजर नहीं लगती और नींबू मिर्च हमें बुरी नजर से बचाता है। ये सारी बातें अंधविश्वास है। जरा सोचिए, अगर नींबू मिर्च लगाने से गाड़ियां सेफ हो जाती थी तो कभी किसी का एक्सीडेंट ही नहीं होता था, और अगर दुकानों पर लगाने से धंधा अच्छा होता था तो किसी की दुकान कभी लॉस में ही नहीं चलती थी। खैर, किसी का कुछ भी मानना हो वो माने, पर मैंने कई लोगों से ये सुना है कि नींबू मिर्ची टोटके के सूख जाने पर उसे किसी चौराहे पर फेंक देना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, और कोई भी चीज जो कूड़ा हो उसे डस्टबिन में ही डालनी चाहिए, ना कि रस्ते पर। प्लीज इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इंडिया को क्लीन रखें। नींबू मिर्ची टोटके को सूख जाने पर रास्ते पर ना फेंके। और हाँ, एक और बात, रास्ते पर अगर आपको कोई नींबू मिर्ची दिखे तो उस पर पैर मत रखना, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं होगा, बस आपके जूते गंदे हो जाएंगे। प्लीज डरिए मत, रास्ते पर पड़े किसी भी नींबू पर पैर रखने से आप पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं आने वाली है और आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। उल्टा नींबू को उठाकर डस्टबिन में फेंक दीजिए, सारी गंदगी मिट जाएगी और जगह क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे एनालिसिस से तो हमें यही पता चलता है कि नींबू मिर्ची का ये टोटका हमें एक ही के बुरी नजर से बचाता है, और वो है मच्छर और कीड़े मकोड़ों के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। नॉलेज काम की लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।